Hey guys, welcome to Tele Soap. साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हो जमकर ड्रामा, एक्शन, इमोशन और भी बहुत कुछ। जी हाँ, गोपी बहू फंस जाएंगी आग की लपटों में, उन्हें कोई फिर से मारने की कोशिश करेगा। जरा देखिए कैसे सब लोग उन्हें आग की लपटों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मीरा ने किया है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बार मीरा नहीं बल्कि किसी और इंसान ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। और अगर आपको उसका नाम पता चल जाए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वैसे आपका ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि घर वालों ने भी यही सोचा है। जरा देखिए कैसे कोकिला बहन टूट पड़ी है मीरा पर। ऐसे क्या देख रही हो तुम? हम सब ने देखा कि तुम्हारे हाथ में मैच बॉक्स था और तुम गोपियों को जलाने वाली थी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो चलिए गोपी बहू से ही जानते हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में। एग्जैक्टली, पसीना बहुत ज़्यादा ही आ रहा था, बिकॉज इट्स लाइक यू नो क्लोज्ड स्टोर रूम वी कैन से, जहाँ पे हम ये गैरेज का हम सीक्वेंस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली कहीं से हवा नहीं आ रही है, इट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड, और ऊपर से जो धुआं, आग जलने की जो धुआं भी है, तो ऑफकोर्स इट्स वेरी मच सफोकेटिंग। बट ऑफकोर्स वर्क इज वर्क, तो हमें कैसे भी हालत में ऐसे हर लोग जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं, जैसे पुलिस वाले, आर्मी, देन हर एक फील्ड में हर कोई अपना अपना जो प्रोफेशन में रहता है वो प्रतिज्ञा लेते हैं। हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जब आर्टिस्ट बनने, हम एक्ट्रेस बनने, तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप जैसा करोगे, जो करोगे वैसे करेंगे। सो दिस इज आवर ड्यूटी। सो नाउ आई एम श्योर कि राशि को देखने के बाद ऑलरेडी सब डरने लग जाएंगे कि बाबा, मतलब वो लंबे चौड़े ऐसे बड़ी बड़ी आँखों वाली मतलब वो वाली वैम्प्स के दिन गए अभी। मतलब हमारे शो में शो का नया ट्रेंड है छोटे छोटे लावा वैम्प्स बना। बट एनीवे, राशि का जो दिखाया है बहुत अच्छे से आप लोगों को आगे जो सीन्स आएंगे या सिक्वेंस आएंगे उसमें बहुत अच्छे से जस्टिफाइड होगा, यू नो व्हाट शी इज़ डूइंग। इज अ फैक्ट कि कोई भी, भले ही उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है दैट आई किल्ड हर मदर, एंड ऑफकोर्स मेरी मम्मी के ऊपर कोई एक उंगली उठा दे तो मैं उस इंसान को मार दूँ, एंड शी इज़ तो लाइक उसको पता है कि मैंने उसकी मम्मी को मारा है, सो इट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइड। थी गोपी बहू, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके शो में ऐसा होता है और लोगों को ये काफी पसंद भी आता है, लेकिन इतनी छोटी विलन ये समझ पाना तो हमारे समझ के बाहर हो रहा है। खैर छोड़िए, अगर जाते जाते आप अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं तो कह डालिए। अगर होता है बच्चों को भी गुस्सा आता है, हमें भी, हमें जब बच्चे के मुझे भी गुस्सा आता था, बट ऐसी कुछ चीज़ें ना करें जो हमें दूसरों को हार्म करें, यू नो इट्स नॉट गुड, एंड उससे फिर आपको पनिशमेंट भी मिलती है, और फिर यू नो गुड एंड बैड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड फॉर दैट, अगर आप गुस्सा हो अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, आप जाओ बात करो, उनको बोलो, इनफैक्ट उनको बोलो कि हम आपको पनिशमेंट देंगे क्योंकि आई एम एंग्री ऑन यू, एंड यू नो कि हमें चॉकलेट दो, हमें गिफ्ट दो, सो लाइक दैट अपना गुस्सा निकालो, नॉट दिस वे। Hi, this is Raj Singh Arora. Hi, this is Divyanka Tripathi. And you're watching Tele Soap. And you're watching Tele Soap. To know more, hit the subscribe button below and share your views in the comments below.